कुछ दोस्तों ने फिल्मी अंदाज में एक अमीर आदमी को किडनैप करने का प्लान बनाया। पहले झांसी से एक कार किराए पर ली गई। प्लान के तहत कार ड्राइवर से छुड़ानी थी, लेकिन जब ड्राइवर बदमाशों की नीयत समझ गया और गाड़ी बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने ड्राइवर को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया और सारे आरोपी फरार हो गए। मामला 2 दिन पहले का है, जब ननदवारा हाईवे पर बने पुल के नीचे एक ड्राइवर की लाश मिली थी। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक झांसी का रहने वाला था, जो एक कंपनी की गाड़ी चलाता था, और किसी ने युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को पुल के नीचे फेंक दिया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो हमीरपुर जिले के राठ से गाड़ी बरामद कर ली गई। गाड़ी मिलने के बाद 4 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में जो तथ्य सामने आए वे चौंकाने वाले थे। एसपी सलमान ताज पाटिल ने खुलासा करते हुए बताया कि ललितपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी नवयुवक हैं, जिन्होंने पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए एक अमीर आदमी के अपहरण का प्लान बनाया। प्लान के तहत झांसी से एक गाड़ी बुक की और ड्राइवर को लूटने की कोशिश की, लेकिन जब चालक इनके मंसूबे समझ गया तो राज खुलने के डर से उसे गोली मार दी। ड्राइवर को गोली मारकर सारे आरोपी शव को पुल के नीचे फेंककर भाग खड़े हुए। एसपी ने बताया कि आरोपी अगले दिन अपहरण की घटना को अंजाम देने वाले थे, उससे पहले पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा कारतूस भी बरामद कर लिए गए। उसकी हत्या का फिर सुराग लगाने के लिए सीओ तालबेहट अरुण सिंह इनके नेतृत्व में टीम गठित की गई और तुरंत उसी समय झांसी और अन्य रास्तों पर जहां सीसीटीवी फुटेज थे उसमें रवाना किया गया और उसी समय राठ हमीरपुर जिले के अंदर राठ तहसील है, वहां से एक फोन आया कि इस तरीके की गाड़ी वहां अज्ञात स्थिति में मिली है और वहां की पुलिस ने जानकारी की के लिए वो गाड़ी का कांच तोड़कर अंदर तलाशी ली तो उसमें खून दिखाई दिया और उसी में उसका नंबर भी मौजूद था, उसके पार्टनर का नंबर था। इस तरीके से उनसे कांटेक्ट किया गया और पूरी घटना को 24 घंटे के अंदर ललितपुर पुलिस ने अनावरण किया है। पता ये चला कि जो लड़के वहां से प्लानिंग के तहत हमीरपुर से निकले थे उनको लगभग 7-8 लाख रुपए की जरूरत थी। उन्होंने ये इरादा किया कि यहां से एक टैक्सी हायर करते हैं और रास्ते में इसको लूट लेंगे और लूटने के बाद एक बड़े व्यापारी को हमीरपुर में किडनैप करके उसमें फिरौती मांगने की इनकी पूरी योजना थी, जिससे 10 लाख रुपए फिरौती मांगने वाले थे। ये नए लड़के हैं, पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। फिल्मी स्टाइल में इन्होंने इस घटना को अंजाम देने का कार्य किया है। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।